टाटा पंच ईवी की टेस्ट ड्राइव, जावा 350 का रिव्यू, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 10 से 15 लाख रुपए के बजट में बेस्ट सेडान कार कौन सी है। अभी भी ये लीडर है और आपके बजट के अंदर बिल्कुल सही बैठेगी, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ईवी पोर्टफोलियो को और स्ट्रेंथन करने के लिए टाटा अब एक और प्रोडक्ट को लेकर आ गई है, और अब टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में 4 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। अब टाटा पंच भी आपको ईवी वर्जन में मिलेगी, लेकिन ये ईवी स्पेशल है क्योंकि ये नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। कितनी रेंज इसमें मिलेगी आपको, क्या खास फीचर्स मिल रहे हैं, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है टाटा पंच ईवी, टाटा मोटर्स के ईवी पोर्टफोलियो में 4th और एक सिग्निफिकेंट एडिशन। सिग्निफिकेंट एडिशन इसलिए क्योंकि कंपनी इसको ऑल न्यू सेकेंड जनरेशन Acti.EV प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये कि अगर आप पंच के आइस और CNG वर्जन को देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स कंपनी के लिए गैदर कर रहे हैं, और कंपनी को काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस पंच ईवी से भी हैं। पंच ईवी में क्या खास है, नए प्लेटफॉर्म पर होने की वजह से कितनी रेंज आपको इसमें मिलती है, क्या फीचर्स मिलते हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे इसके ट्रिम्स, प्राइसिंग और बैटरी पैक की। पंच ईवी आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस और 5 वेरिएंट्स में मिलती है। 2 बैटरी पैक ऑप्शन की बात करें तो 25 किलोवाट का एक बैटरी पैक का ऑप्शन है जो आपको स्टैंडर्ड रेंज ऑफर करता है 315 किलोमीटर की। दूसरा है 35 किलोवाट का बैटरी पैक जो आपको लॉन्ग रेंज ऑफर करता है 421 किलोमीटर की। तो यानी आपको पंच नेक्सॉन की तरह स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज के साथ मिलेगी। हालांकि अगर प्राइसिंग देखेंगे तो स्टैंडर्ड रेंज की कीमत शुरू होती है 10,99,000 से। बेस वेरिएंट के लिए यानी स्मार्ट वेरिएंट के लिए, टॉप स्पेक वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस के लिए आपको चुकाने होंगे 13,29,000 रुपये। वहीं लॉन्ग रेंज पंच ईवी आपको मिलती है 3 ही वेरिएंट्स में। बेस लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत शुरू होती है 13 लाख रुपये से, और टॉप स्पेक की कीमत जाती है 14.5 लाख रुपये तक। अब अगर हम चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो 3.3 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर तो एज स्टैंडर्ड आपको मिल रहा है दोनों ही गाड़ियों के साथ, दोनों ही वेरिएंट्स के साथ बेसिकली। लेकिन 7.2 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी आप ले सकते हैं लॉन्ग रेंज पंच ईवी के साथ 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके। पंच ईवी फास्ट चार्जिंग कैपेबल भी है, और आप इसको 50 किलोवाट चार्जर से अगर फास्ट चार्जिंग करते हैं तो ये 10-80% चार्ज होने के लिए 55-56 मिनट्स का टाइम लेगी। पंच ईवी के बारे में डिज़ाइन हो या फीचर्स हो, बहुत कुछ बात करना बाकी है, उन सब के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इसकी रियल रेंज की और इसकी ड्राइवेबिलिटी की। पावर फिगर्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड रेंज में आपको 82 HP की पावर, 114 NM का टॉर्क मिलता है, और स्टैंडर्ड रेंज 0-100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 13.5 सेकंड्स में हासिल करता है। लॉन्ग रेंज पंच ईवी की बात करें जो इस समय हमारे साथ मौजूद भी है, इसमें आपको 122 HP की पावर और 190 NM का टॉर्क मिलता है, तो डेफिनेटली ज़्यादा पावर आपको मिलती है इसमें। प्लस ये क्विक भी है स्टैंडर्ड रेंज के मुकाबले, 0-100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 9.5 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। सबसे ज़्यादा रेंज आपको इको में मिलेगी, सबसे कम रेंज आपको मिलेगी स्पोर्ट में। इस समय ये 90% चार्ज है, और 90% चार्ज में ये लॉन्ग रेंज पंच ईवी 337 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर रही है। तो यानी रियल टर्म्स में आप 421 तो नहीं, वो तो MIDC रेंज है, बट रियल टर्म्स में आप 350-360 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ड्राइवेबिलिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली अभी हम इसको सबसे L2 मोड में चला रहे हैं, क्योंकि जब आप इको मोड में स्विच करते हैं तो सबसे ज़्यादा रेंज ऑफर करता है, तो वो ऑटोमेटिकली L2 मोड में आ जाती है, L मोड यानी सिंगल पैडल ड्राइविंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहीं भी कम पावर महसूस नहीं होगी। हमने यहाँ इसे अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस इसके साथ लिए, फिर चाहे वो सिटी ड्राइव हो,
हाईवे ड्राइव हो या फिर ऑफ रोडिंग ही क्यों ना हो, वो एक एक्साइटिंग एलिमेंट था इस पंच ईवी ड्राइव में, लेकिन कहीं भी लैक ऑफ पावर आपको महसूस नहीं होगी। हाईवे पर हमने 100 किलोमीटर्स पर आर तक की स्पीड टच की और ये एनएफ पंची परफॉर्मेंस लैंड करती है। सिटी और हाईवे ड्राइव के बाद अब बात ऑफ रोडिंग की, जिसका भी हमने जिक्र किया भी था। तो पहले कुछ फिगर्स बता दूँ, पंच ईवी में आपको 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और ये 350 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी से भी लेस है। और टाटा ने यहाँ बेंगलुरु में हमारे लिए कुछ एक्साइटिंग ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस पंच ईवी के साथ क्यूरेट किए हैं, तो लेट्स टेक पंच ईवी डू सम ऑफ रोडिंग। टाटा ने पंच ईवी के डायनामिक कैपेबिलिटीज को आंकने के लिए मल्टीपल ऑफ रोड सिनेरियोज को अरेंज किया, जिसमें रॉक बेड्स, स्टेप क्लाइंब्स, हिल डिसेंट, वाटर वेडिंग, इंक्लाइंड ड्राइव समेत ये सब एस्पेक्ट्स मौजूद थे। पंच ईवी में आपको 19 डिग्रीज का अप्रोच एंगल मिलता है, डिपार्चर एंगल 28 डिग्रीज का है और रैंप ओवर एंगल 15.1 डिग्रीज का है। और इन सब एस्पेक्ट्स की वजह से पंच ईवी ने इन सभी ऑफ रोड ऑब्स्टिकल्स को आसानी से हैंडल किया। 360 डिग्री कैमरा और लार्ज इंफोटेनमेंट स्क्रीन की मदद से इन टायरेंस को टैकल करने में आसानी रही। इंटीरियर्स डेफिनेटली आइस वर्जन के मुकाबले आपको ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देंगे। डैशबोर्ड का डिज़ाइन कम्प्लीटली न्यू है, न्यू फील आपको पंच ईवी में अंदर मिलती है। हाईलाइट के तौर पे आप देखेंगे तो आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है और 10.25 इंच का ही फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले इसमें मौजूद है। हालांकि ये टॉप स्पेक वेरिएंट है, अगर आप लोअर वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको 10.25 इंच का नहीं बल्कि 7 इंच का स्क्रीन मिलता है। इसके अलावा आपको ये टाटा नेक्सॉन ईवी की याद दिलाएगा इसका स्टेयरिंग, क्योंकि इसका स्टेयरिंग का डिज़ाइन सिमिलर है। यहाँ पर आपको ये इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है, ये पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वेरियस कंट्रोल्स दिए गए हैं स्टेयरिंग पर ड्राइवर डिस्प्ले को मैनेज करने के लिए। हालांकि जो इसका ड्राइवर डिस्प्ले है वो नेक्सॉन ईवी की तरह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको लेंड करता है। प्लस अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जो ये HVAC पैनल है ये डेफिनेटली नया है, सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो आगे चार्जिंग सॉकेट है उसको ओपन करने के लिए भी यहाँ पर नॉब मौजूद है, एक टच मौजूद है, दूसरा टच आपको चार्जिंग स्टार्ट करने के लिए है, आपको बूट को ओपन करना है। तो सारे कंट्रोल्स बेसिकली जो मौजूद होते हैं सेंट्रल कंसोल में वो इस HVAC पैनल में ही इंटीग्रेट किए गए हैं और सभी टच सेंसिटिव हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिलता है और साथ ही वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी इसमें मौजूद है। USB पोर्ट के साथ सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी इसमें मौजूद है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आपको मिलती हैं, यहाँ आपको ये रोटरी नॉब तो मिल ही रहा है और दो बटन्स मिल रहे हैं रोटरी नॉब के साइड में, जो कि इसके मोड्स को ऑपरेट करने के लिए दिए गए हैं। सनरूफ इसमें आपको मिलती है, लेकिन सनरूफ के लिए एडिशनल 50,000 आप पे करते हैं तो आप किसी भी वेरिएंट में सनरूफ का ऑप्शन ले सकते हैं। तो पंच ईवी एक अच्छा पैकेज है रेंज, फीचर्स और ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से। ऑल्दो कोई डायरेक्ट राइवल तो इस गाड़ी का नहीं है, लेकिन जिस प्राइस रेंज में आ रही है इसका कंपटीशन काफ़ी सारी गाड़ियों से होता है। हालांकि अगर फिर भी सम अप करना हो तो इसका डायरेक्ट कंपटीशन होता है MG कॉमेट से, जिसकी कीमत 8 लाख से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक जाती है। सिट्रोएन की EC3 से जिसकी कीमत 11.5 लाख से शुरू होकर लगभग 13 लाख रुपए तक जाती है। और टाटा की जो अपनी टियागो EV है वो भी इससे कम्पीट करेगी, जिसकी कीमत लगभग 9.25 लाख रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए तक जाती है। तो कीमत और रेंज के हिसाब से ईवी बायर्स के लिए टाटा पंच ईवी एक बेहतरीन ऑप्शन है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे जावा 350 का रिव्यू। आप देख रही है आवाज ओवर ड्राइव, आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। जावा बाइक के दीवानों के लिए क्लासिक लीजेंड्स जावा 350 लेकर आ गया है, लेकिन पहले के मुकाबले जावा 350 में क्या खास है, क्या नए फीचर्स मिलते हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। मैं हूं कच्छ के इस व्हाइट रन में, यानी रन ऑफ कच्छ में, और मेरे साथ है जावा 350 जो आपके सामने है। जी हाँ, जावा नहीं, ये जावा 350 है, बिल्कुल अलग बाइक है। सिर्फ नाम को हटा दें तो ये एकदम नया बाइक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है जावा 350। कीमत है
2,15,000 रुपया। अब आप सोच रहे होंगे कि दिखने में तो ये सेम जावा लग रही है, तो ये अलग कैसे है? तो मैं बता दूं कि इसमें इंजन, फ्रेम, स्टाइलिंग सब कुछ नया है, इसी वजह से कंपनी इसे नाम दी है जावा 350। सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो इसे वही रेट्रो स्टाइल जो 1972 में जावा मिलती थी उसी क्लासिक रेट्रो स्टाइल में इसे रखा गया है, लेकिन इसमें क्रोम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया है, इसी वजह से दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। जो इसका हेडलैम्प है वही रेट्रो स्टाइल में, लेकिन जो इसका लाइट है वो अब ब्लूश लाइट अब यहाँ से निकलता है ताकि आपको बेहतर रात में रोशनी मिले। जो इसका फ्रंट फोक देख रहे हैं वो अब बिल्कुल नया है, और जो इसका लेंथ है वो पहले से थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि आपको बेहतर आपको जो ट्रेवल लेआउट मिले, ताकि आप आसानी से इसे किसी भी रास्ते में चला सकें। इसी वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। अब इसमें जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो है 178 mm। फ्रंट और रियर दोनों में आपको जो डिस्क ब्रेक दिया गया है साथ ही ABS भी मिलता है। फ्रंट में आपको 280 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, जबकि रियर में 240 mm का। जो फ्रंट टायर है उसका डायमेंशन है 18 इंच, जबकि रियर में आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं, लेकिन पहले से दोनों टायर वाइटर रखा गया है ताकि आपको चलाते वक्त बेहतर स्टेबिलिटी मिले। जो हैंडल बार है उसे सेम रेट्रो स्टाइल में रखा गया ताकि आपको चलाते वक्त बेहतर ग्रिप मिले, आपको ना ही लीन होने की जरूरत पड़ती है ना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेट होने की जरूरत पड़ता है। फ्यूल टैंक सेम टीयर ड्रॉप स्टाइल में रखा गया, और यहाँ पर आप क्रोम मिलता है। और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, जो इसका फ्यूल कैप है यहाँ पर आपको एक ब्रास में सिंस 1929 का यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, जो बिल्कुल नया है। जो इसका फ्रेम है, जिस फ्रेम पर इंजन और बाइक को बनाया गया है वो भी नया है, पहले वाली जावा से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से जो इसका व्हील बेस है वो भी पहले से बढ़ गया है, और इसके पीछे वजह जो इसका स्विंग आर्म है उसे थोड़ा सा बढ़ाया गया ताकि आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिले जब आप इसे चलाएं। जो सीट है उसको भी आपके बेहतर कंफर्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया, इसी वजह से जो यहाँ पर कुशनिंग है चाहे वो राइडर हो या प्लेन उसको ध्यान में रखा गया। और मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आदमी कोई भी राइडर इसे आसानी से चला सके, इसी वजह से जो सीट का हाइट है वो है 790 mm। हैंडल बार में जो स्विच नॉब लगे हैं वो सेम पहले की तरह हैं, लेकिन जो आप ग्रिप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया है ताकि आपको बेहतर पकड़ मिले और आसानी से आप चला सकें। इंजन की बात करें तो इसमें दिखने में तो ये सेम इंजन लग रहा है जावा की तरह, लेकिन नहीं, ये जावा 350 का इंजन बिल्कुल अलग है, पराग वाला इंजन इसमें दिया गया है, इसी वजह से जो इसकी कैपेसिटी है बिल्कुल अलग है और इसका ट्रैक्टर भी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इसमें 334 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 22.6 PS, जो टॉर्क है 28.1 Nm। पावर आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कम है, लेकिन जो टॉर्क और पावर दोनों का जो रेशियो है उससे इस तरह से तालमेल करके डिजाइन किया गया ताकि आपको फर्स्ट गियर हो या टॉप गियर आपको हमेशा बेहतर पावर मिलता है। रही बात इंजन गर्म ना हो, इसके लिए सामने यहाँ पर रेडिएटर दिया गया, साइज सेम है लेकिन जो उसकी कूलिंग एफिशिएंसी है वो अब बढ़ गया है, और ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये असिस्ट स्लीपर क्लच के सहारे काम करता है, और इसमें 6-speed गियर दिया गया। जो इसका ट्विन एग्जॉस्ट है उसका भी डिजाइन दिखने में तो सेम लग रहा, लेकिन काफ़ी माइनर तरीके से बारीकी से इस पर काम किया गया है, चाहे मफलर हो चाहे यहाँ पर कैटलेट फिल्टर हो, उससे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि दिखने में सुंदर लगे और जो नॉर्म्स है उसको भी पूरा कर सके। जो पीछे का लुक है वो भी पहले की तरह दिया गया है, लेकिन जो इसकी फिट एंड फिनिश है वो बिल्कुल अलग है। अब आप टच करके फील कर सकते हैं कि नहीं, ये जावा 350 है। लेकिन इन सब बदलाव के बाद इसकी हैंडलिंग कैसी है, चलाने में कैसी है, इसकी टॉप स्पीड कितनी है, माइलेज कितना है, चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर।
परफॉर्मेंस की बात करें तो जावा में जो शिकायत थी परफॉर्मेंस को लेकर के, वो आप इस जावा 350 में आपको नहीं मिलेगा। यानी जो इनिशियल जो टॉर्क है वो आपको इसमें मिलता है, चाहे आप फर्स्ट गियर में चला रहे हों, सेकेंड गियर में चला रहे हों या फिर थर्ड गियर में चला रहे हों। आपको जो टॉर्क मिलना चाहिए था वो इसमें आपको करीब 80-90% जो टॉर्क है वो आपको करीब 2000-3000 RPM पर आपको मिल जाता है। यानी जो पुश है, इनिशियल पुश, वो इस बाइक में आपको मिलता है। यानी जो परफॉर्मेंस के लेकर शिकायत थी वो अब इस बाइक में दूर हो चुकी है। दूसरी चीज़, जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो अब काफ़ी शानदार हो चुका है, और इसके पीछे वजह है कि कंपनी इसके ब्रेकिंग सिस्टम पर काफ़ी काम किया है। यानी जो ब्रेकिंग का जो पैड है या फिर जो ब्रेकिंग का जो फिटमेंट है उस पर कंपनी ने काम किया है। इसी वजह से आप 100 की स्पीड में चला रहे हों या फिर उससे ज़्यादा, आप ब्रेक मारिए 100 मीटर की दूरी पर बाइक आराम से रुक जाती है। शुरुआत में जावा के जो खरीदार हैं उनकी एक शिकायत थी वाइब्रेशन को लेकर। अब इस जावा 350 में वो वाइब्रेशन दूर हो चुका है। यानी आप आराम से क्रूज करें 80 में, 90 में, कहीं भी हैंडल हो या सीट हो या फिर फुटबैक, आपको कहीं भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। जो इसका गियर है वो काफ़ी स्मूथ हो चुका है, क्योंकि इसमें असिस्ट स्लीपर क्लच आ चुका है, यानी फीदर टच, और जो क्लच है वो भी काफ़ी लाइट हो चुका है। जावा 350 एक रेट्रो क्लासिक सेगमेंट की क्रूजर बाइक है, तो आप उसी हिसाब से इसको सोचें, उसी हिसाब से चलाएं। क्योंकि जो इसकी कंपेयर अगर आप दूसरी बाइक से करते हैं, जो स्पोर्ट्स बाइक हैं, तो उसे कंपेयर ना करें। आप इसे 90 स्पीड में चलाएं, बहुत स्मूथ चलती है, रोड को पकड़ के चलती है, और उस 90 स्पीड में भी आपको थोड़ा सा पावर मिलता है। यानी आराम से आप टॉप स्पीड 130 तक जा सकते हैं। रही बात जो इसकी कंपटीशन है, इसका सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड, दूसरा होंडा की जो CB350 है उससे है। अब आपको जो शिकायत थी वो सारी चीज़ें अब इस बाइक में दूर हो चुका है। जब भी आप अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए या रूटीन चेकअप करवाने के लिए सर्विस सेंटर जाते हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये सब बातें जानने के लिए आप देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ख्याल। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15,000-20,000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थीं, वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है, इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। तो अब
आवाज ओवरडे में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पर मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 10 से 15 लाख रुपए के बजट में बेस्ट सेडान कार कौन सी है। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। और वक्त हो गया उन सभी क्वेश्चंस को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें भेजा है वो भागेश्वरी माथुर ने भेजा है, ये एक सेडान खरीदना चाहते हैं, 10 से 15 लाख रुपए का इनका बजट है, पेट्रोल कार इनको चाहिए, इन्होंने वरना सियाज और होंडा सिटी को ऑप्ट किया है, चाहते हैं एक ऐसी गाड़ी जो वैल्यू फॉर मनी हो और अच्छा माइलेज भी ऑफर करे। भागेश्वर जी, अभी भी होंडा का जो एक ब्रांड वैल्यू है वो अभी भी ज्यादा, हालांकि बहुत मंथली सेल ज्यादा नहीं है, बट अभी भी ये लीडर है और आपके बजट के अंदर बिल्कुल सही बैठेगी। थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, तब जाके आएगी। 1.5 लीटर इंजन के साथ 121 बीएचपी निकालती है अब, और 18 किलोमीटर का कंपनी की तरफ से दावा है, जबकि आपको 12 से 14 किलोमीटर के लगभग बड़े आराम से टाउन में निकाल देगी। और 11.62 लाख से शुरू होती है, 16.10 लाख तक जाती है विद ऑल द बेल्ज एंड विसल्स, और इसका जो रियर सीट कंफर्ट है वो आपको कोई उसके साथ मुकाबला नहीं है। अगला सवाल आया है रोहित कुमार सोनी का, ये होंडा शाइन या फिर हीरो ग्लैमर, इन दोनों में से कोई एक बाइक लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। रोहित जी, हम आपको होंडा की जो SP मॉडल आ गया है अब वो बताऊंगा, 125 सीसी के साथ 10.5 BHP निकालता है, बहुत बढ़िया है, एंड दैट हैज बीन वन ऑफ देयर फ्लैगशिप मॉडल्स एवर सिंस दे हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग होंडा शाइन। वो उसी को अब उन्होंने होंडा SP बना दिया है, और 50 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, एक्सलेंट परफॉर्मेंस, वेरी साइलेंट इंजन, एक्सलेंट इंजीनियरिंग, एंड 91,000 रुपीज इज द कॉस्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।